अब किसी शहर गांव किसी मोहल्ले की दीवारें जो हैं वो बड़ी अहम चीज़ होती है आपके विजुअल एनवायरनमेंट में, इसलिए कि आप गुजरते हैं उन दीवारों के साथ हमेशा आपका एक्सचेंज होता रहता है। और ये दीवारें अगर खूबसूरत रखी जाएं, साफ़ सुथरी रखी जाएं, तो आपके एनवायरनमेंट को ये एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर फराहम करने में मदद देती है। अगर अलाउ किया जाए कि इसको इनाके अंदाज से इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो कमर्शियल मैसेजेस हों, मुख्तलिफ कंपनियों के सियासी नारे हों, मज़हबी जो नारेबाजी होती है वो हो, उससे ये है कि एक ज़हनी तौर पे आप एक डिस्टरबेंस के शिकार हो जाते हैं, एक गैर महसूस सा शोर जो है वो फर्द महसूस करने लगता है, जो अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी को बहुत मुतासर कर सकता है। अगर अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से बदला जाए जैसे आप लोगों ने ये इस प्रोजेक्ट के ज़रिए किया है, तो ये मेरे नज़दीक एक पब्लिक आर्ट है। आर्ट की वो शक्ल जो कमोडिटी नहीं है, जो सबके लिए है, एक कैनवस की तरह नहीं है जो कोई मालदार शख्स ख़रीद सकता है। दीवारें जो है वो सबकी साझी दीवारें होती है, कलेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, और अगर वो खूबसूरत हो तो एक डिलाइट होता है ज़िंदगी के लिए, एक प्लेजेंट चीज़ होती है, और उसके असरात बड़े ज़बरदस्त हो सकते हैं। अगर उस पर ज़बरदस्त किस्म के मैसेजेस हों, कल्चरली इन्फॉर्म, कल्चरली रिच, और कंटेंट बड़ा कंस्ट्रक्टिव हो, प्रोडक्टिव हो, तो उससे मेरा ख्याल है कि जो देखने वाले लोग हैं, गुजरने वाले लोग हैं, बच्चे, बड़े, औरतें, मर्द वगैरह, तमाम मैसेजेस लेते जाते हैं, और वो मैसेजेस जो हैं वो अल्टीमेटली आपकी कलेक्टिव साइकी का हिस्सा बन जाते हैं। मेरे नज़दीक ये एक बहुत बड़ा काम है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अगर आप मुझसे पहले पूछते तो मैं आपसे ये कहता कि जो हमारे मसाइल हैं माशरती सोसाइटी के, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है, सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ा कैंसर जो है वो करप्शन है। कोई ऐसे म्यूरल्स जो करप्शन के ख़िलाफ़ हों, कोई ऐसे म्यूरल्स जो डिसीजन मेकर्स को मजबूर करें कि वो अकाउंटेबल हों, कोई ऐसे मैसेजेस जो इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ हों, मेरा ख्याल है वो आर्ट का काम यह है कि वो माशरे में तब्दीली लाए। इंटेंशन यही होती है आर्टिस्ट की, जैसे पॉलिटिक्स तब्दीली का एक एजेंट है, इसी तरह आर्ट भी तब्दीली का एजेंट है, तो आर्ट को ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, मैसेज इसी तरह होना चाहिए। बहुत अच्छा डिसीजन है इसमें, आर्ट में या एक्सप्रेशन में एज लिमिट तो होनी नहीं चाहिए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो भी इजहार करना चाहे उन सबको शामिल करना चाहिए, अच्छी बात है। थैंक यू।